नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज नगर में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दोस्तों यह ट्रेन की शुरुआत सन 2003 में की गई थी। दोस्तों आपको बता दूं कि यह एक ऑर्डिनरी ट्रेन है जिसमें आपको एसी चेयर कार सेकेंड सीटिंग की सुविधा मिलेगी। दोस्तों यह एक वन डे ट्रेन है जो कि एक दिन में लोड फेयर करती है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। जैसे हजरत निजामुद्दीन कोटा जन शताब्दी सुबह को हजरत निजामुद्दीन से चलती है, फॉर एग्जांपल। दोस्तों मुझे टाइम नहीं पता, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि सुबह को फॉर एग्जांपल हजरत निजामुद्दीन से चलती है और दोपहर को कोटा पहुँचती है, और वही जन शताब्दी ट्रेन शाम को कोटा से चलती है और रात तक हजरत निजामुद्दीन यानी कि अपने ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर पहुँच जाती है। दोस्तों आपको बता दूँ कि इंडियन रेलवे में हाल ही में 21 जन शताब्दी ट्रेनें हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि यह ट्रेन जन शताब्दी के बाद शुरुआत की गई थी और इनका उद्देश्य या फिर इन ट्रेनों को चलाने का उद्देश्य यही था कि आम लोग यानी कॉमन पीपल एक बेहतर स्पीड एवं बेहतर जिसको फैसिलिटी बोल लीजिए शताब्दी के बाद उनको प्रदान की जाए। तो अब बात कर लेते हैं फास्टेस्ट और स्लोएस्ट जन शताब्दी के बारे में। दोस्तों भारत में सबसे फास्टेस्ट शताब्दी है कोटा हजरत निजामुद्दीन शताब्दी, जो कि 458 किलोमीटर के अपने टोटल सफ़र को 6 घंटे 35 मिनट में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से पूरा करती है। और दोस्तों वहीं बात करें स्लोएस्ट जन शताब्दी ट्रेन के बारे में, तो स्लोएस्ट जन शताब्दी एक्सप्रेस है नई दिल्ली ऊना जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि 385 किलोमीटर का अपना सफ़र 7 घंटे 35 मिनट में पूरा करती है। दोस्तों आपको बता दूं कि जन शताब्दी की मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दोस्तों अब बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस एम शॉर्ट डिस्टेंस जन शताब्दी ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों भारत में सबसे लॉन्ग डिस्टेंस तय करने वाली जन शताब्दी है दादर सेंट्रल मडगांव जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि 572 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और शॉर्टेस्ट जन शताब्दी की बात करें तो वह है काशी पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि 229 किलोमीटर का अपना सफ़र 4 घंटे में पूरा करती है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जन शताब्दी आम लोगों के लिए चलाई गई थी, शताब्दी के बाद इंडियन रेलवे का ये नया एक्सपेरिमेंट था जो कि पूरा आम लोगों को समर्पित था। दोस्तों आज के वीडियो में जन शताब्दी एक्सप्रेस ही मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।